खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। नदी के बहाव में बहा है रिवर क्रॉस ब्रिज। सोनप्रयाग में सेना ने तैयार किया था ब्रिज जो कि अब बह चुका है। इसी ब्रिज से कल निकाले गए थे श्रद्धालु। मंदाकिनी नदी पर बना था पैदल पुल। केदार घाटी में खत्म हो चुका है रेस्क्यू। सेना ने यह ब्रिज तैयार किया था जो कि अब बह चुका है इस वेग में, और इसी ब्रिज से रेस्क्यू जो है वो किया गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा है। अब सोनप्रयाग में सेना ने जो पुल तैयार किया था, जो ब्रिज तैयार किया गया था, वो जो है वो बह चुका है और श्रद्धालुओं को इसी ब्रिज से निकाला गया था, लेकिन हालात स्थितियां ऐसी हैं कि फिलहाल वो पुल जो है वो भी बह चुका है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अंदाजा लगाया जा सकता है कितना ज्यादा नदी का वेग है कि जो पुल तैयार किया गया था कल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो पुल जो है बह चुका है? देखिए, बिल्कुल, कल जी मीडिया ने दिखाया था किस तरह से सेना ने एक रिवर क्रॉस ब्रिज बनाया था, और हमने उस ब्रिज के दूसरी पार जाके भी दिखाया था किस तरह से ये ब्रिज है, लेकिन थोड़ा सा शेक करता है और खतरा रहता है, लेकिन रात में जब पानी बहुत ज्यादा बहा है मंदाकिनी का तो पुल बह गया है। आप समझ सकते हैं इतना मजबूत तरीके से बनाए हुए पुल भी अगर बह जाते हैं तो आप समझिए कि कितना ज्यादा पानी मंदाकिनी में इस वक्त है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है कल रात। भीमवली में भी कई जगह पत्थर गिरे हैं, कई जगह दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल वहां बारिश रुकी हुई है। बारिश रुक जाएगी, मौसम खुल जाएगा तो केदारनाथ के लिए पहली सर्विस भी शुरू होगी, लेकिन अब सेना दोबारा से पुल बनाने का काम शुरू करेगी। लेकिन अभी नदी में पानी ज्यादा है और इस बार और ज्यादा मजबूत पुल बनाना पड़ेगा क्योंकि दुश्वारियां बढ़ रही हैं, और इस तरह से अगर बारिश होगी तो जो जितने भी रिस्टोर करने के कार्य, जो लगातार पुनर्निर्माण के कार्य हैं, वो प्रभावित होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पुल बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था, ये पुल है जो बनाया गया था और इसी के जरिए श्रद्धालुओं को निकाला गया था, लेकिन पानी का वेग इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, बरसात इतनी ज्यादा हुई है कि ये जो पुल है वो भी यहाँ पर पानी के वेग के साथ बह चुका है। और सेना की तरफ से पुल जो है वो तैयार किया गया था। मुमन ऐसी परिस्थिति में सेना जो है वो इस तरीके के पुलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन मजबूती के साथ बनाया गया ये जो पुल है वो भी इस पानी के वेग के साथ बह गया है, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है बरसात होने के कारण कि जो चीज भी सामने आ रही है वो उसको अपने साथ बहा कर ले जा रही है। और ये हैरानी की बात है कि सेना जब इस तरीके का पुल तैयार करती है तो काफी मजबूती के साथ उसे